सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। हम भी सब एकदम ठीक है, मजे में हैं। सो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दाल खाने। दाल खाने के लिए जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी है मुहर्रम की, तो घर पे भी हैं सब लोग, तो हमने सोचा क्यों ना दाल खा कर आते हैं, है ना। तो आओ, वाटर बॉटल मैंने ले ली है। हाँ, ये वाली कर दो बस, वो किचन की चलने दो। वाटर बॉटल ले ली है मैंने, गाड़ी में घुमा ली है। चलते हैं। हाँ वो तो है ये, चलो पकड़ो अपना गाड़ी बाहर ले रहे हैं। मैं लॉक लगा दो, पकड़ो वाटर बॉटल। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो रही है, पकड़ा भी नहीं जा रहा फोन। चले पकड़ो। खड़ी है कार, बैठो आप। चले बैठ गए बच्चों। हाय कर दो रीशु। नमस्कार। उसका बहुत तेज फैन चल रहा है, बहुत साउंड आता है इसका। इस तोबा तोबा गाने ने बड़ा परेशान कर दिया। तो हम पहुंच तो गए मार्केट में, यहीं पर ही मिलते हैं भैया। ये खड़े हुए हैं, ये है उनका ठेला, यहाँ पर मिल रही है मुरादाबादी दाल और छोले के साथ में देंगे वो, खाए जाएंगे। तो ये मिक्स कर दियो। सो ये है दाल, इसे बोलते हैं मुरादाबादी दाल। भैया खाली मूंग की दाल है या कुछ और ही मिक्स है इसमें? और छोले साथ में, ये लाल मिर्ची। बहुत दिनों बाद खा रहे हैं हम भी। एक प्लेट दी भैया 30 में और एक है 50 में, तो हम ले रहे हैं 30 वाली 4। ये बुधवार तो यहाँ का काशीपुर का मार्केट ना मोस्टली बंद ही रहता है थोड़ी बहुत देर में, सब आपका तो हो जाएगा खत्म है। कितने बजे चले जाते भैया? हाँ सही कह रहे हो। बच्चों की मिर्च सही है ये, वरना एक मिर्च और डाल दो इसके ऊपर से। तो ये आ गई हमारी मुरादाबादी दाल। अच्छी लग रही है, टेस्टी बढ़िया। आपको याद है वो हम पता नहीं कहाँ से, आगरा से आए थे सुबह सुबह, कहाँ से हमने खाई थी किसी जगह पे, हम यहाँ से जा रहे थे आते हुए लौटते हुए खाई थी हमने। अरे वो वहाँ आते भी, हाँ वो वहाँ पे क्या कहते हैं, बबराला? नहीं से रिशु क्या हुआ आपको? मुंह से बना रही हो धीरे धीरे, मैं भी स्टार्ट कर दूं। और दाल खाने के बाद फिर हम निकल लिए थोड़ा ऐसे ही घूमने के लिए काशीपुर में ही। और घूमते घूमते हम पहुंच गए ऐसी जगह जहां पर बन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घर, और वो हमने देखे। और हमने सोचा कि यहाँ तक हम आए हैं, ये बन रही है जो बिल्डिंग, तो क्यों ना हमने अंदर से भी देखें किस तरीके के बनाए हैं ये मकान। तो हम आपको भी दिखाते हैं। एक बिल्डिंग में मतलब 4 मंजिल के बन रहे हैं ये मकान, तो एक बिल्डिंग में 8 मकान थे ये, और 2 रूम सेट्स थे ये, और वॉशरूम वगैरह किचन भी थी साथ में। किचन क्या ओपन एक स्लिप डाल रखा था बस, तो बाकी भाई जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे, जो भी प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना निकाली है उसके अंतर्गत जिसके रजिस्ट्रेशन है और जिनको सेलेक्ट करके ये आएंगे, तो उनके लिए बढ़िया है। कैसे बन रहे हैं ये देख कर आ रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट दे रही है ना आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत, ये वो वाले घर हैं। सभी मैं भी जा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं अंदर से देख कर आऊँ कि कैसे बना के दे रहे हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं वैसे, तो जो घर अभी तैयार होगा हम वो देखते हैं। यहाँ पर टाइल वाइल भी लग रही है, मतलब वेल फिनिश्ड करके दे रहे हैं। ये तैयार है, अच्छा ये बंद है अभी। तो कितने रूम
ये जैसे एक फ्लैट ये हो गया, ठीक है, तो एक तो पहले ये हॉल आ जाएगा और उसके बाद ये क्या है, किचन बंद नहीं करेंगे, खुली रहेगी। अच्छा ये वॉशरूम हो गए दोनों। अच्छा एक ये रूम है, ओपन एरिया। अच्छा ये ओपन एरिया दे दिया बाहर की तरफ, सबके लिए वेंटिलेशन सही है। हाँ दोनों तरफ से, इसमें पार्क भी बनेंगे, पार्क है इसमें। हाँ बनेंगे, आगे जो जगह खाली उधर हो सकता है ना। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये ऊपर यहाँ सीढ़ियाँ कहाँ से जाएंगी बिल्डिंग की? अच्छा आगे से दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, बस ऊपर नहीं जा रही, सब ऐसे ही है, सब बिल्कुल जैसे ये है ना, सब बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक अलग, वो प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है। तो चलो जो भी कुछ कर रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तो सबको अपने अपने घर मिलने चाहिए, पर ये है भाई कि बिना कुछ करे नहीं मिलने चाहिए, थोड़ा बहुत अपना काम भी करो। लोग आ गई क्यों डॉक्टर साहब? हाँ अच्छा है, आ जाओ। ये पत्थर वाले ब्लॉक वाले बना देते हैं, इनसे भरा और प्लास्टर मार दिया और टाइल लगा दी और दो की बार लगा दी बस। तो बाकी भैया जो भी अपना करवाना चाहते हो अपना करवा, ये ब्लॉक मजबूत होंगे, काफी मजबूत होते, ये ब्लॉक ईंटों से ज्यादा बढ़िया रहते हैं, सीमेंट वाले। चलो जो जिसके होंगे बढ़िया जगह रहेगी। बाकी आस पास में खेत है। सामने जुताई हो रही है, धान लगे हुए हैं यहाँ। लो भाई हम पहुंच गए अपने घर घूम घाम कर। ये कुत्ता बेचारा यहीं घूमता है, बेचारा नहीं है। अच्छा क्या बात है, मैं बताओ क्या बात हो गई? मैं ये पीछे लड़ाई कर रही हूँ, बनाई मम्मा बनाई एक बार। आपने इतनी खा ली, अब रिशो खाने दो। खा लो खा लो, सुनो मैं लात मार, अच्छा लात नहीं मारना। हाँ क्या हुआ? देखो बनाई मैंने है, मैं ऐसे करके खा रही हूँ झुक के, इन्हें क्या दिक्कत है? मैं सर क्यों ले आती हूँ हर एक के बीच में यहाँ पे, ऐसे करती हूँ ऐसे कर करती क्यों करती हूँ ऐसे? लूडो खेलोगी तो तुम्हें ऐसी सर कर लेती हूँ। तो मना भी तो कर सकती थी, और घुसा रही है पूरी प्लेट एकदम साइड कर दी थी, अभी गिर जाती मैगी। क्या बात है, बताओ क्या बात हो गई? मैं ये पीछे लड़ाई कर रही हूँ, बनाई एक बार। आपने इतनी खा ली, अब रिशो खाने दो। खा लो खा लो। सो अभी मैं देख रही हूँ अपने आगरा वाला ब्लॉग, क्योंकि मुझे घर की याद आ रही है, तो मैं सोचती हूँ ब्लॉग ही लगा लेती हूँ अपने, वो देख लेती हूँ। और आज तो बस पता नहीं क्या क्या खाने मिले ही जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब टिक्की लेकर आए हैं, सुबह मूंग की दाल खिलाई थी इन्होंने, अभी ये थोड़ा बैंक में कुछ काम था तो गए थे, तो वहाँ से हमारे लिए टिक्की लाए। टिक्की थैंक यू। आपको नहीं खानी क्यों? रुमाली रोटी वो शाम को चाप भी खिलवाओगे? अरे मान जाओ, क्यों आदत खराब कर रहे हो हमारी। अच्छा जी चलो, ये देखो मेरे बच्चे बैठे हैं गोद में, ये कितना बढ़िया लगता था, सब लोग मिलते हैं इकट्ठे होते हैं। एक बात को बता, मैं छिड़के पता क्या बोलती थी, मैंने कहा बस हद कर दो, अब हम तो जा रहे हैं, ये चिल्लम चिल्ली मेरे बस की नहीं है, कभी यहाँ से कोई रो रहा है वहां से रो रहा है, बट लेकिन अब मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, कितना मजा आता था हमारे ईशु है ना, आलू के साथ, मीशू के साथ, रेयांस के साथ बहुत इंजॉय करते थे हम। मम्मी रेयांस के साथ तो बिल्कुल नहीं, चिल्ला चिल्ला के रोता था, मजा आता था। लेकिन तो अब हम खाते हैं अपनी टिक्की, और टिक्की खाने के बाद फिर मिलते हैं आपको। हिताक्षी भी ट्यूशन गई हुई है, क्योंकि उनके टेस्ट भी चल रहे हैं इसीलिए। और रिशु तो बोल रही थी मम्मा वहाँ पे गर्मी लगती है, मैं नहीं जा रही अभी, पता नहीं क्यों रिशु मना कर रही थी। है रिशु इसके बहाने चलती हूँ मैं अभी, जिद इसलिए नहीं करती क्योंकि छोटी है अभी, धीरे धीरे पढ़ना सीख ही रही है, पढ़ ले रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो टेस्ट की तैयारी होती है वो मैं करा देती हूँ, तो पहले टिक्की खाती हूँ फिर मिलती हूँ। रिशु नहीं पिटाई होगी ना तुम्हारी बहुत ज्यादा, सॉरी बोल क्या दीदी को, दीदी को सॉरी बोल करा जल्दी। तो आपने इतनी तेज क्यों मजा, सॉरी बोलो कोई बात नहीं। ताक्षी इधर आओ जल्दी, इनमें लड़ाई होती रहती है। ताक्षी इधर आओ बेटा,
मेरे पास आ जा, यहाँ से मेरा बच्चा नहीं है, आ जा। कभी मेरी बात नहीं मानती, कभी मैंने देखा है, कभी कहती हूँ ना कभी बात नहीं मानती। ए, चुप है, मैं ये जरा सी बात पे रोने लगे, चुप चुप हो जा बिल्कुल, चुप 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 चुप। रिशु आज के अंदर मुझसे बात मत करना, ठीक है? ऐसी नाराज रहो तुम, चुप हो जा बिल्कुल, चुप। लो अपनी टिक्की खा ले, चल आराम से। वो रखी टिक्की इसमें पॉलिथिन में, पापा लेकर आए थे, चलो खाओ। सुनो मम्मा, जब मैं भूत बनता हूँ तो ये मेरे मारती है, कोई नहीं, जब ये बन रही थी तो मैंने मारती है इनके। नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बात खत्म करो, चलो दूध वो ये खाओ आप, अरे दूध लाती हूँ मैं। तो ऋषु ने दीदी को सॉरी बोल दिया और वो दोनों में पैचअप हो गया, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड। बस 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 बस, कोई बात नहीं, चलता रहता है भाई बहनों में, चलता रहता है। रो क्यों रहा है? प्यारा बच्चा है ये मेरा। चलो भाई दूध पियो अपना अपना, आ जाओ आओ जल्दी। कौन सा वाला है? कोई सा भी ले लो फटाफट। तो भाई ऋषु ने सबसे पहले दूध फिनिश कर दिया अपना, वेरी गुड। हाँ आपने नहीं किया अभी, मैं हल्के हल्के पी रही हूँ, कर लो आप भी। पापा जी आ चुके हैं तहसील से, तो अभी बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ साथ मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी है, पानी मतलब गर्म करने के लिए रख दिया, तब तक दाल रख देती हूँ, वो बन जाएगी और फटाफट से खाना बनाती बहुत जल्दी पेन खत्म होते हैं आपके। हाँ। बहुत लिखना पड़ता है, जाओ ये पास वाली दुकान से जा रही हो ना। हाँ। इस साइकिल में हवा डलवा लो, चली जाओ बस, कल कल करते रहो रोज। फिटनेस चैलेंज तो मैं करवा दूंगी, बताओ तुम पढ़ाई कर रही हो या फिर अपना फोन देख रही हो? हैं पढ़ाई जब भी करते करते पता नहीं इनके हाथ में फोन कब आया था, पता नहीं चलता बच्चों के, हम ये सोचते हैं कि ये पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हाँ वही तो। अरे यार चलते चलते फोन वहां पहुंच जाता है, धीरे धीरे हिता फोन देखती हुई। फटाफट से कर लो अपना, कल का टेस्ट है ना आपका, तो कब का है? 22nd में। कल ऋषु का है क्या? कल ऋषु का भी नहीं है, ऋषु की मुझे तैयारी करवानी है, अभी आ जाएंगी ना वो EVS की। तो ऋषु अभी गई है बाबा के साथ में आवास विकास, अब वो थोड़ी देर में आएंगी, जब उन्हें मुझे उन्हें पढ़ाना भी है और उन्हें डिमांड करी है खास कि आज उन्हें चाप और रुमाली रोटी खानी है, तो उनको वो भी खिलवाना है, वो तो डॉक्टर साहब जाएंगे खिलवा कर लाएंगे, ठीक है? मतलब ले आना उन्हें, उन्हें लेने जाएंगे जब। बाकी हम बैठे, मैंने तो खाना अपना बना लिया, जैसे खाना वही खाना है, ले आओ बना के खाना ले आओ। नहीं डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं भाई, ये मना कर रहे हैं। पापा कह रहे थे ना, इतनी देर में आई हो आप? अरे मम्मी हम दोनों ना टीवी देख, दीदी कब से वेट कर रही थी? क्यों? और दीदी वेट कर रही थी, ऋषु कह रही थी उसके लिए। मैंने तो खाना बना दिया, रोटी ले आऊं ऋषु? बस अब आए हैं ये लोग बच्चे जाकर, कितनी देर हो गई, बहुत देर से मैं वेट कर रही थी, और अब जाएंगे ये उनके लिए कुछ लेने के लिए, अगर वो खाएंगी तो, वरना मैं रोटी सेक दूंगी, जिसे खाना वो खा लेगा और जिसे नहीं खाना वो नहीं खाएगा। अभी हम बना रहे हैं, काय का आया था ये, उसका खीर लेकर आया था, दही मैंने जमा रखा था कढ़ी के लिए, कढ़ी बनाऊंगी एक दो दिन में, और अगर जमा दूंगी दही तो वैसे काफ़ी हो जाएगा इतना रखा हुआ है दो दिन का। धनिया पाउडर डाल दिया था, सब कुछ पड़ गया। तो ये आगे बच्चों की चाप और रुमाली रोटी। तो अभी ऋषु कर रही है अपना होमवर्क, और यही इनको पोयम लर्न भी करनी है, तो साथ में लर्न भी करती जा रही हैं और अपना होमवर्क भी कर रही हैं। वेरी गुड। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कल मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते।